ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर ये बात में देखने में आई है और बहुत से लोग इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जो विषय पर मैं आज बात करने वाला हूँ, कि यही कारण है किसी की भी बर्बादी के पीछे। पहली और मुख्य बात है कि अगर आप ये कारण आपसे जुड़े हैं तो इन्हें अभी से आप सुधार लें। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए इन कारणों से हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं तो अभी भी हम रुक सकते हैं। और तीसरी और मुख्य कारण है कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो कैसे इस बर्बादी से बाहर आ पाएं। तो बर्बाद होने के पीछे मुख्यतः किसी भी व्यक्ति के पीछे मोटे तौर पर यही कारण होते हैं, और ये कारण अगर आप जान जाएंगे तो आप बर्बादी से बच सकते हैं। और ये लोग हमारे आसपास हैं, ये लोग आपके साथ चल रहे होंगे, ये लोग कई सारी व्यूह रचना आपके लिए रच रहे होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनसे कैसे सावधान रहना है, ये क्या कारण है, इस पूरे वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी आपको अच्छा नाम लगे भोलेनाथ का, वो नाम लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी व्यक्ति की बर्बादी के पीछे एक जो मोटे तौर पर सबसे बड़ा कारण है वो है नशा। नशा जीवन का नाश है। हर एक व्यक्ति कह देता है कि आप नशा मत करो, नशा करने से ये होता है। लेकिन आप एक बार ऑब्जर्वेशन करें, नशे से कई बार हम हमारा एक अच्छा परिवार लाइफ खो देते हैं, धन का हानि हो जाता है, दुर्घटनाएँ हो जाती है और कई सारी परेशानी हमारे साथ हो जाती है। अब ये बात आप कह सकते हैं कि दुर्घटना तो सामान्य व्यक्ति को भी हो सकती है, पर नशे वाले व्यक्ति के साथ दुर्घटनाओं की बहुत हद तक संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर बर्बाद होना है किसी भी व्यक्ति को, या बर्बादी के पीछे कारण है वो है नशा, इसलिए नशा छोड़े। कोई सा भी नशा दोस्तों हो सके उसे छोड़ने की कोशिश करें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कर्ज। हम में एक आदत पड़ गई है कर्ज लेने की। इसमें होता है जुआ के लिए, कई बार लोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए बीच में ये गारंटी ले लेते हैं कर्ज के लिए। मतलब कर्ज से जुड़ी जितनी सारी बातें हैं, कर्ज लेना देना, इससे जितना हो सके उतना आप बचें। क्योंकि कर्ज लेते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे चुकाने की ओर जाते हैं, हम चुकाते भी हैं पर हम उसमें उलझ जाते हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक अच्छा खासा जीवन किसी कर्ज में उलझ जाए, तो कर्ज से बचें। अब मैं ये यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्ज बिल्कुल ना लें, आवश्यकता से अधिक कर्ज ना लें, आवश्यकता से बहुत कम कर्ज लें जो हम प्रॉपर समय पर चुका सकें, जिससे कि हमें मानसिक रूप से भी शांति प्रदान हो और जिससे कि हमें किसी प्रकार से आर्थिक नुकसान या घाटा नहीं।